काका प्रार्थना ढूंढ रही थी आपका। किधर? बापोदरा उसे ढूंढ रहा है। हमारे घर पे? ओ, आपको लगा होगा प्रार्थना चिराग से मिलने आई होगी, इसलिए आप यहाँ जाइए, देख लीजिए। इसी बहाने चिराग को भी देख लीजिएगा। अन्नू, जल्दी चुप जा, जा। क्या हुआ काका? जाइए देख लीजिए। शौक नहीं है बापोदरा को उस नालायक को देखने का। तू अभी बोल रहा था प्रार्थना को देखा? किधर? वो चौल से बाहर जा रही थी। कल खतरा टल गया। आखिर है तो मेरा बड़ा भाई। सुनील, क्या खूबसूरत मूर्ति बनवाई। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात गुरुजी हमारे सामने खड़े हैं। जब शाम को सब इकट्ठा हो जाएंगे, इन्हें बाहर ले आना अनावरण के लिए। जी, इनकी बेटी पुष्पा और जिनका आज सम्मान करना है वो सब आ चुके हैं। बाप रे, घर तो बहुत ही शानदार बनाए। पटोड़ा की व्यवसाय की बादशाह है, राजा महाराजा से कम थोड़ी है। नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते पुष्पा बेन, स्वागत छे, खूब खूब स्वागत छे। जी अम्बे, आपने बापूजी को इतने प्यार से याद रखा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पुष्पा बेन गुरु है, वो उनका स्थान माँ बाप से कम थोड़े ना है। और आज ये जो कुछ है उन्हीं की सीख की वजह से तो है। ये अरविंद मास्टर जी है। इनका परिचय क्यों करवा रही हैं आप? इन्हें कौन नहीं जानता है। पाटण के बच्चों में संस्कारों के सिंचन में इनका योगदान सबसे बड़ा है। सुनील, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जिसे जो खाना पीना है खिलाओ पिलाओ और भरपेट, ठीक है? मैं आपको मूर्ति के अनावरण में मिलता हूं। नमस्ते नमस्ते। थैंक्स भाई, आपने पिन्नू को बचा लिया। प्यार करना आसान है चिराग, निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। याद रखना। अभी ये क्या नया दीप्ति?
काका आज नाना जी की 75 जन्म जयंती है। माँ पाटन गई है इनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर आज इन्हें याद करें, बस एक छोटा सा श्रद्धांजलि सम्मेलन। वो बाइक से गिर गया था। ले, बाइक चलानी नहीं आती तो क्यों चलाता है? जा, आ चल। पुष्पा बेन, हवे दीवो प्रगटाओ।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बापूजी को इतना मान मिलेगा। मींस के उन्हीं के गांव में उन्हीं के नाम से चौक। सेतलवार साहिब ने तो मेरे बापूजी का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। आभार। कांची ने अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को खर्च करके ये दौलत कमाई है। ये गुडविल इसके अब दो वारिस हैं। पुष्पा बेन, मास्टर जी, आइए मैं आपको दिखाता हूं कांजी भाई की असली विरासत क्या है। आइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.